उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। उत्तराखंड नुमाइंदा ग्रुप ने प्रदेश सरकार पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जनता की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर समान नागरिक संहिता को लागू करना ठीक नहीं है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समान नागरिक संहिता की विशेषज्ञ कमेटी की कार्यप्रणाली और उसके द्वारा आमंत्रित सुझाव और अन्य कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता का मसौदा जनता को जल्द ही उपलब्ध कराना चाहिए ताकि जनता को पता चल सके कि राज्य की अवधारणा के विपरीत रोजगार पलायन और भू कानून जैसे मसलों की अनदेखी की जा रही है। इसलिए राज्य की अधिकतम राजनीतिक पार्टियों ने कमेटी द्वारा बुलाई गई मीटिंग का विरोध दर्ज करवाया है और कहा कि जब तक कमेटी यूसीसी ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं करती, हम सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते रहेंगे। फर्स्ट डे से मैंने वहां पर जो है सजेशंस भी दिए हैं उस कमेटी को, ऑब्जेक्शंस भी, तकरीबन एक साल का टाइम हो गया। मैंने जो सजेशन दिए हैं, जो क्वेश्चंस किए हैं, उसका जवाब तो देना चाहिए ना। आज तक तो किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं तो अभी कल की परसों की मीटिंग के अंदर भी जाकर के कहा कि भैया आप हमें बताइए तो सही कि आप करना क्या चाहते हैं। जब तक आप ये नहीं बताएंगे तो आपको, अभी तो हम सिर्फ गैस करके अपने से अंदाजे से हम करके चीजें को बता रहे हैं, मगर एक बात बताइए, पुर्तगाल हमारे यहाँ पर जो डाइवोर्स की जो रेट है वो 1.1% है, क्योंकि हमारे यहाँ पर फैमिली लाइफ, फैमिली सिस्टम को जो है बहुत प्रिफ्रेंस दिया गया है, मान्यता है हमारे धर्मों के अंदर, और वो इसलिए है कि धर्म की वजह से ही हमारी फैमिली जुड़ी हुई है। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो डाइवोर्स का रेट है वो 70% से 91% तक है। वहाँ पर फैमिली लाइफ तबाह हो चुकी है, वहाँ पर यूरोप के अंदर फैमिली लाइफ तबाह हो चुकी है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर इस धर्म की वजह से, इन धर्मों की मान्यताओं की वजह से आज हमारा समाज और हमारी फैमिली लाइफ जुड़ी हुई है। उसको क्यों ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से? उन कंट्रीज़ के हालात तो देखिए, जिस जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पुर्तगाल के अंदर ही, कि वहाँ पर 70% से 91% जो है वहाँ पर डिवोर्स का रेट है। आप बता दीजिए कि जहाँ पर 91% डिवोर्स का रेट है, उनकी फैमिली लाइफ क्या होगी? तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। हम उनसे सवाल कर रहे हैं, हम जवाब नहीं देने के लिए तैयार हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब को मैंने मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी बार लिख करके भेज रखा होगा उनको। हमारे जो ऊपर पहाड़ के ऊपर जो सिस्टम्स हैं, जो हमारे जौनसर बाबर के अंदर सिस्टम है, ऊपर पहाड़ के ऊपर सिस्टम है, उन सिस्टम्स को आप किस तरह से ख़त्म करके जो है यूनिफॉर्मिटी किस तरह से लाएंगे आप बताइए तो सही, किस तरह से यूनिफॉर्मिटी? बात हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस और इसकी नहीं है, बात यह है कि जब एक कानून बनेगा तो जो पर्सनल लॉ है उसको एब्रोगेट कर दिए जाएंगे, वो कोई नहीं रोक सकता। उसके अलावा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ के राइट हैं आर्टिकल 25 से लेकर के और 30 तक, उनको आपको बदलना पड़ेगा। तो वो पार्लियामेंट बदलेगी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं बदल सकती, उसके पास उनका जो है राइट ही नहीं है उनके पास में। तो ये जो 25 से लेकर के आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक जो माइनॉरिटीज़ के राइट हैं, उसको आप किस तरह से बदलेंगे स्टेट गवर्नमेंट? ये जो अभी उसमें दिया है आर्टिकल 44 के अंदर, उसमें ये कहा गया है कि स्टेट विल एंडेवर टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड सिविल लॉ फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। वो जो स्टेट का लफ्ज है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए है, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए लिखी गई है। हम किस तरह से इसको डिफाइन कर रहे हैं? अब चाहते ये लोग हैं कि ये हम उल्टा सीधा कानून लेकर के आ जाएं और लोग लिटिगेशन के अंदर अदालतों के चक्कर काटते फिरे। क्यों करना चाहते हैं सब कुछ? अपनी जनता को परेशान करके क्या करना चाहते हैं? अगर आप ये साफ साफ कहिए ना कि हम हिंदू कोर्ट भी लाना चाहते हैं, वो प्रोग्रेसिव है, आप ही कहिए ना, तब लोग अपने ऑब्जेक्शन देंगे, जो भी अगर देना है तो अपनी बात कहेंगे। आप किसी को बात करने का मौका ही नहीं दे रहे। देखिए, सबसे पहले आप यूसीसी को समझ लीजिए क्या है। हमारे सामने जो इस वक्त यूसीसी है वो है गोवा के अंदर जो कानून है वो 1867 के अंदर बनाया गया, जो पुर्तगाल के किंग थे डॉम ल्यूस, उन्होंने इस कानून को बनाया। और वो कानून जो है गोवा के अंदर, चूंकि गोवा वहाँ पर जो है उनके अधीन थी, इसलिए वो गोवा के अंदर लागू किया गया। हमारे पूरे मुल्क में किसी जगह पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड करके कोई कानून नहीं है सिवाय गोवा के।
अब उस कानून के बारे में जान लीजिए कि क्या है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं हमारे समाज के ऊपर। उसमें अगर एक लड़की की शादी होती है तो जैसे ही लड़की की शादी होती है उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उसका आधा हिस्सा हो जाता है। अगर किसी वजह से उनमें आपस में निभाव नहीं होता है और डाइवोर्स की नौबत आ जाती है तो वो आधा हिस्सा उसकी बीवी को मिल जाता है, चाहे एक महीने के अंदर ही डाइवोर्स हो जाए। तो क्या ये जस्टिफाइड बात है? एक जो वहां पर हस्बैंड है, हिंदू हस्बैंड, उसको ये राइट है अगर 25 साल तक लड़का नहीं होता है तो वो दूसरी शादी कर सकता है, 30 साल तक अगर नहीं होता तो उसको छोड़ करके दूसरी शादी कर सकता है। तो ये राइट तो लड़की को भी होना चाहिए, लड़की ही जिम्मेदार थोड़ी है उसके लिए, लड़की ही इस बात के लिए जिम्मेदार है कि लड़का हो, ये तो जिम्मेदार नहीं है। तो जहां पर जेंडर इक्वलिटी की बात हमारे यहाँ पर की जा रही है एक्सपर्ट कमेटी के जरिए, तो जेंडर इक्वलिटी कहाँ है इसके अंदर? दूसरी चीज ये है कि देखिए, बहुत सारे डिबेट्स हो चुके हैं इसके ऊपर कि वो ये मानते हैं कि हिंदू कोर्ट बिल जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव है और हिंदू कोर्ट बिल जो है यूनिफॉर्म है। इनका जो बार बार इंसिस्ट किया जा रहा है इस बात के लिए कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे, तो सही मायनों में वो सारे जितने भी मजाहिब के कानून हैं उनको एब्रोगेट करके, खासकर पर्सनल लॉ को एब्रोगेट करके, जो वो एक प्रोग्रेसिव लॉ को जिसको वो करते हैं वो उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये असल मकसद है, ये एजेंडा है। नहीं, लोगों का किसका सपोर्ट? मैं देखिए खिलाफ, मैं किसी कानून के खिलाफत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ अगर कोई कानून को आपको इस देश के अंदर इंट्रोड्यूस करना है या इस प्रदेश के अंदर करना है उसका कोई तरीका होता है नहीं होता। आपने अभी तक भी वो ब्लूप्रिंट लोगों के सामने नहीं रखा, आपने अभी तक भी वो मसौदा लोगों के सामने नहीं रखा, आपका ड्राफ्ट है क्या? हम तो ये पूछ रहे हैं यूसीसी का ड्राफ्ट है क्या देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, आप हमें बताइए। तो रंजना देसाई की अगर आप बात करते हैं, मैं आप पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, वो एक्सपर्ट है? अगर है तो आप जनता को बताइए। दूसरी बात, आपने कहा कि अभी दो दिन पहले उन्होंने मीटिंग करी थी, किन लोगों को बुलाया था उन्होंने मीटिंग में? भाजपा के ही कुछ लोग थे जो कह गए थे वहां पे कि नहीं जी इस कानून की आवश्यकता है, किसी एक्सपर्ट से पूछा था कि इस कानून की इस प्रदेश के अंदर आवश्यकता है? नहीं है। आपने चार लोगों को इकट्ठा करके या 500 लोगों को इकट्ठा करके और भाजपा के ही लोगों को इकट्ठा करके आपने कह दिया कि इस कानून को, हाँ जी हमारी तो हो गए। तो आपने कोई ड्राफ्ट पढ़ा? मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं वकील हूँ, मैंने नहीं देखा, मेरे ख्याल में इस प्रदेश के किसी वकील ने भी नहीं देखा होगा। तो किससे बनवाना चाह रहे हैं आप? फिर एक्सपर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है यूनिफॉर्म सिविल के अंदर, कि आप एक्सपर्ट्स की कमिटियां बिठाएंगे, उनकी राय लेंगे, लॉ कमीशन उसको देखेगा, वो चीजें हो गई क्या? वो हमारे सामने तो नहीं आई। तो मैं आपको देखिए, इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर एक साल से ये उठा पटक चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ लागू किया जाना चाहिए। मेरा सवाल है सरकार से, मेरा सवाल है उन लोगों से जो यूसीसी की कवायद कर रहे हैं, आप क्या उत्तराखंड के अंदर जो बाकी समस्याएं थी, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल विषय है, ये कहीं भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा जटिल विषय है कि आज आप देखिए आजादी के बाद से आज तक ये किसी प्रदेश के अंदर इसे लागू नहीं कर पाए। गोवा के बारे में मैं बाद में बात करूंगी। जब आप कर ही नहीं पाए हैं तो हमारा छोटा सा प्रदेश जिसकी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, आप देखिए ना, मैंने आपसे कहा अभी कि गढ़वाल को आप सुधार नहीं सके हैं, वो समस्याएं जहां की तहां रह गई, जिस अवधारणा के लिए हमने उत्तराखंड प्रदेश को बनाया था उसकी तो अवधारणा ही खत्म हो चुकी है। आप लेकर चले थे कि हम उत्तराखंड की जनता का भला करेंगे, उत्तराखंड के एक स्पेशल राज्य बनेगा, उस राज्य के अंदर जो समस्या है, आप देखिए आज भी मैंने आपसे कहा कि मेरी उत्तराखंड की महिलाएं आज भी वो बंठा उठा के 4-4 किलोमीटर से पैदल चलती है, आज भी वो घास का पुलिंदा सर पे लेके चलती है, आज भी वो पेड़ के ऊपर चढ़ के घास काटती है। तो आपने उन समस्याओं को नहीं देखा? आप कानून बनाइए, हम तो कह रहे हैं आप कानून बनाइए, लेकिन कानून इतना जस्ट होना चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो। वो कानून बना के इस जो यूसीसी के लिए लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 2018 में, और जस्टिस चौहान की जो अध्यक्ष थे लॉ कमीशन के, उन्होंने साफ कहा था कि यूसीसी की इस देश के अंदर कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए मुझे कि अमेरिका के अंदर 50-52 राज्य हैं, अपने राज्य हैं, कानून उनके अलग अलग हैं, वो अमेरिका चल नहीं रहा है कि अमेरिका बंद हो गया,
चलना बंद हो गया, तरक्की बंद हो गई अमेरिका की। आप इस डाइवर्सिटी के देश के अंदर, या इतना डाइवर्सिटी है कि आप इसके अंदर यकसा कानून लाएंगे कैसे? और वो भी छोड़ दीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ।